पठानकोट से उधमपुर को जाने वाली डीएमयू सहित लंबी दूरी की 8 ट्रेनों को रेलवे ने 19 सितंबर तक रद्द कर दिया था, जिसका कारण जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य बताया गया था। लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली कटरा के बीच 2 नई ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। पहली ट्रेन 29 सितंबर और दूसरी ट्रेन 30 को ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो जाएगी। दोनों ट्रेनों का शहर के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव बनाया गया है। दोनों ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसका यात्रियों की तरफ से रिस्पांस आना भी शुरू हो गया है। ट्रेनों का कैंट स्टेशन पर ठहराव होने के बाद पठानकोट से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला व दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। 04071 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेलगाड़ी 29 सितंबर को नई दिल्ली से रात 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:30 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। वापसी दिशा में 04072 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी 1 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी। इसी तरह से दूसरी नई गाड़ी 04081 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेलगाड़ी 30 सितंबर को नई दिल्ली से रात 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:30 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। तो वापसी दिशा में 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी 2 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी। सीमा अरोरा, हाँ मुझे लगता है कि सभी पैसेंजर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका और चलनी ही चाहिए। मेरी यहाँ से जालंधर तक की जर्नी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जर्नी के दौरान। अब रेलवे का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, स्टेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ रहने लगे हैं और जब से मोदी जी आए हैं तो बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और रेलवे में तो बहुत ही ज़्यादा सफाई बहुत ज़्यादा रहने लगी। हाँ जी, कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ जर्नी कर सकती हैं। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।